राष्ट्रपति बाइडेन राजघाट पहुंच चुके हैं, और राष्ट्रपति बाइडेन के लिए भी ये असल में ये हर देश के लिए बहुत सक्सेसफुल समिट है। बिल्कुल, और किशोर हाँ। आज बाइडेन सेकंड आज के दिन का जो सत्र है उसमें हिस्सा नहीं ले पाएंगे, लेकिन वो राजघाट जरूर पहुंचे हैं। ये गांधी की और भारत की महत्ता भी दिखाता है। जी जी, यहाँ से ये वियतनाम जा रहे हैं, यहाँ से वियतनाम, वहाँ प्रेस ब्रीफिंग भी करेंगे। और गांधी यहाँ राजघाट तक आने का तो मकसद ही है कि बार बार मानवाधिकारों की बात करता है अमेरिका, दुनिया में मानवाधिकारों के प्रहरी के तौर पे अपने आप को रखता है, और चीन को इससे आपत्ति भी होती है। कई बार भारत पे भी अमेरिका बात रखता है तो उसका जवाब डिप्लोमेटिक तरीके से दिया जाता है। लेकिन गांधी को लेकर जिस तरह एक चीज और सर, आपने भी देखा होगा और विक्रांत जी आपने भी देखा होगा, हम सबने गौर किया, राजघाट पे हमेशा लोग आते हैं, लेकिन इस तरह का आयोजन मुझे याद नहीं है हाल के वक्त में। हाँ कि मतलब एक के बाद एक पीएम मतलब सबका स्वागत कर रहे हैं और इतने सारे राष्ट्राध्यक्ष एक साथ आ रहे हैं। नॉर्मल अगर राष्ट्राध्यक्ष आते हैं और उनका स्टेट विजिट होता है या सेरिमोनियल वेलकम होता है तो पहले राष्ट्राध्यक्ष चले जाते हैं राजघाट पे, वहां पीएम या प्रेसिडेंट नहीं होते, फिर राष्ट्रपति भवन आते हैं, या कई बार राष्ट्रपति भवन में सेरिमोनियल वेलकम के बाद भी राजघाट का कार्यक्रम रखते हैं। लेकिन राजघाट को अपने शेड्यूल में जरूर रखा जाता है, और इस बार तो राजघाट में जो आप अलग अलग प्रतिमाएं देख रहे हैं वो दरअसल रिंग रोड जिसे महात्मा गांधी मार्ग भी कहा जाता है वो एक साइड के दूसरे हिस्से में है। एक तरफ राजघाट, बीच से अंदर भी किसान घाट पीछे जाने का रास्ता है राजघाट के बगल से, और गांधी दर्शन के सामने जो बीच में चार पांच प्रतिमाएं ऊंची ऊंची आ रही हैं, और वहां पर पूरा गांधी के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं में गांधी को दिखाते हुए प्रतिमाएं लगाई गई हैं। तो दिल्ली के लिए भी वो बहुत खूबसूरत तोहफा है, और गांधी का सीधा संदेश। राष्ट्रपति बाइडेन को भी गांधी आश्रम, साबरमती आश्रम के बारे में बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, साबरमती आश्रम में जो पूरा जो वहाँ की व्यवस्था है उसे सीधा जब वो मुख्यमंत्री थे तो वो सीधा उससे टच में रहते थे। एक चीज, एक कौतूहल बढ़ रहा है किशोर, अगर देखे तो जब कल सुबह स्वागत हो रहा था तो पीछे में कोणार्क का सूर्य मंदिर था, शाम को जब स्वागत हुआ तो नालंदा का जो विहार है वो था। अभी गांधी जी के जगह पे तो इसकी हम लोग कल्पना या सोच सकते थे थोड़ी देर के लिए कि पीछे में ऐसा। अब मेरा कौतूहल बढ़ रहा है कि अभी जब दोबारा से आएंगे वहां प्रधानमंत्री, अगर स्वागत करते दोबारा से उनको उनके लिए, या सीधे अगर चले जाते हैं तो जरूरत शायद ना हो, अगर स्वागत करते हैं वेलकम डेलीगेट्स का तो वहां पीछे में कहां की कोई ऐतिहासिक तस्वीर होगी, क्योंकि कोणार्क भी बहुत अच्छा लग रहा था, नालंदा का विहार भी अच्छा लग रहा था, और नटराज की मूर्ति तो शोभा बढ़ा ही रही। आप लोग, मुझे लगता है टीवी स्क्रीन पे देखा होगा, रात में आप लोगों ने चले गए थे, यहाँ से वो विहंगम दृश्य दिख रहा था रोशनी से चमचमाता हुआ भारत मंडपम अपनी। बिल्कुल, और इस समय जो बाइडेन आगे गए हैं बाकी नेताओं के पास, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया, गांधी आश्रम के बारे में चर्चा हुई। ये महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पर जो ज्वाला जल रही है वो हमेशा देश को वो संदेश देती है कि गांधी का जो सत्य और अहिंसा का संदेश है वो आज भी उतना ही रेलेवेंट है जो महात्मा गांधी के 100-125 साल पहले था जी। और अगर हम सांस्कृतिक प्रतीकों की बात करते हैं, जैसे कोणार्क की हमने बात की और जो जिनको दर्शाया गया, या यहाँ पर जो क्राफ्ट बाजार में भी हम कल गए जहाँ पर शिल्प जो है अलग अलग राज्यों का, अलग अलग क्षेत्रों का, उसको हमारी धरोहर की तरह पेश किया जा रहा है, तो उसमें सांस्कृतिक धरोहर में महात्मा गांधी भी एक बिल्कुल बहुत बड़ी छवि है। और